ओके हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग को या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं डिकोडर का। वो है डिकोडर का इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ट्रिकी सवाल है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए पता चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल जो है ये आपको कह रहा है क्वेश्चन कि अ 328 लाइन डिकोडर विथ एक्टिव लो आउटपुट। ओके फाइन, लो हम लोग जब लो आउटपुट देंगे तो वो हाई होगा। एक्टिव लो का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग आउटपुट पे जीरो आएगा रहेगा तो वो हाई होगा, ठीक ना। एक्टिव लो है, ठीक है, तो हाई होने के लिए उसको लो होना पड़ेगा, यानी जीरो रहेगा तब वो आउटपुट वन आएगा, ठीक है। और 328 का मतलब हो गया डिकोडर थ्री इनपुट एट आउटपुट लाइन। फाइन, कहता है कि इज यूज टू इंप्लीमेंट अ थ्री वेरिएबल बुलियन फंक्शन। ओके फाइन, थ्री वेरिएबल बुलियन फंक्शन से काम हो जाएगा क्योंकि 2 to the power 3 से आप 8 यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट कर लेंगे, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ये सवाल में ही गिवन है आपका फिगर कि इसमें बता रहा है कि आपका तीन वेरिएबल सपोज एक्स वाई जेड है, तो इसमें आपके 8 आउटपुट लाइन होंगे, लेकिन आपका जो 8 आउटपुट लाइन होगा, क्या बोला कि ये एक्टिव लो आउटपुट है। इसका मतलब कि ये सारे लाइन हाई तभी होंगे, ये बबल लो को शो करता है, जब वन क्या होगा जीरो, थ्री क्या होगा जीरो, फाइव क्या होगा जीरो, सिक्स क्या होगा जीरो, तो ये एक्टिव लो का मतलब यही हुआ। दूसरी बात कि हाँ, आप ध्यान से समझिए, ये जो डिकोडर है इसका जो आउटपुट सर्किट है, जो फाइनल आउटपुट आएगा, उसमें लाइन नंबर वन इन्वॉल्व है, लाइन नंबर थ्री इन्वॉल्व है, लाइन नंबर फाइव और लाइन नंबर सिक्स, यानी फोर लाइन्स आर इन्वॉल्व इन दिस आउटपुट, है ना। फोर लाइन का और किया गया, बाकी लाइन को यूज नहीं किया गया, इट्स फाइन। अब चलते हैं सवाल के और आगे में। कहता द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन, जो कि तीन वेरिएबल, मान लीजिए ए बी सी, तो कहना ठीक नहीं है, यहां पर आपका वेरिएबल एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड ही होना चाहिए, इंप्लीमेंटेड इन द प्रोडक्ट ऑफ सम। अब यहां पर थोड़ा सा आपको बेसिक याद दिलाना मुझे जरूरी समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ सम, देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम को आप और टर्म भी बोलते हैं। और टर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेट सपोज कोई थ्री वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या हो गया, सम ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर सम टर्म, है ना। तो इसी को मैक्स टर्म भी कहते हैं हम लोग, और यही सम टर्म का प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोडक्ट जो है ये सम का प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग मीन टर्म पे बात करते हैं, लेकिन इस सवाल में आपको फोकस किस पे करना है, मैक्स टर्म पे, ठीक है। और मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म को हमेशा हम लोग और से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिए कुछ बातों को। मीन टर्म को एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को और से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन टर्म को हमेशा वन होना चाहिए आउटपुट, लेकिन मैक्स टर्म का आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये सब बात को उसका रिवर्स है, ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। चलिए इतनी बात आप समझ गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका फाइनल आउटपुट पता करना है कि ये जो सर्किट हमारे पास दिया हुआ है 3:8 डिकोडर को इंप्लीमेंट किया गया है बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, है ना। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को 3:8 कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, तो ये फंक्शन क्या होगा। तो देखिए थ्री वेरिएबल से जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे वो 8 होंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग के मैप का मदद ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो के मैप में आपका कितना वेरिएबल है, 3 x y z, तो हम क्या किए हैं, यहाँ एक्स वाई जेड मैंने लिख लिया, एक्स आपके दो रो को और वाई जेड फोर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल 2 by 4 8 सेल बन गए। अब मैंने क्या किया है, इसको देख के घबराइएगा मत कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम लग रहा है, नो, वाई जेड का जो कॉलम है ये इसमें के मैप में रूल फिक्स है। अगर आपने पहले के मैप नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ लें, थ्री वेरिएबल के लिए के मैप आप 8 सेल ही ड्रॉ करेंगे, ठीक। और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वाई जेड का वो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ही होगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। बाकी क्यों होगा, कैसे होगा, ये के मैप के सीरीज में मैंने डिटेल से बताया, लेकिन यहां आप इसको याद रखेंगे। ये किसी भी थ्री वेरिएबल के जो के मैप होगा उसमें ये चेंज नहीं होगा, ऑर्डर ऑलवेज विल बी 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0, फाइन। और रो को आप 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 0 को, यानी कि 0। इस सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रो 0 है, कॉलम क्या है 0 1, यानी 0 0 1 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने यहां 1 आपको समझने के लिए लिख दिया है। यहां 0 1 1 है, इसका मतलब ये थर्ड सेल हो गया, इसका नंबरिंग थर्ड होगा। ये 0 1 0 है, यानी कि ये 2 है, क्योंकि 2 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में 1 0 होता है। देखिए इस बात को समझिए, 2 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में क्या होता है, 1 0।
तो उसी के अनुसार इसमें ऑर्डर लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जीरो 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 ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जीरो जीरो वन वन को रिप्रेजेंट करता है, जीरो वन जीरो टू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जीरो वन वन थ्री का है, याद कर लीजिए आप लोग, वन जीरो जीरो फोर का है, वन जीरो वन फाइव का है, वन जीरो जीरो सॉरी वन वन जीरो सिक्स का है और वन 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 ट्रिपल वन सेवन का है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी देखिए ये 100 यानी 4 हो गया, 1015 हो गया, 1117 हो गया, 1106 हो गया। इसको हमेशा ये सब करना नहीं, मैं आपको समझने के लिए बस बता दी। ऑर्डर सिर्फ याद रखिए 01, फिर यहाँ 2, फिर 3, 4, 5, फिर यहाँ 6, फिर 7, तो ये सेल नंबर हुआ। अब देखिए ये सेल नंबर की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रही थी, इसके लिए यहाँ आइए। अब इसमें ये जो सेल है ये 8 सेल है, इसमें ये 8 आउटपुट है, तो जहां जहां आपका ये आउटपुट लाइन आपका गया है उसको हम किससे फिल करेंगे, जीरो से फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां और है, मैक्स टर्म की बात हुई है, मीन टर्म की नहीं। मीन टर्म की बात होती तो वन से फिल करते, लेकिन मैक्स टर्म की बात हो रही है तो हम जीरो से फिल करेंगे। तो देखिए कौन सा सेल जीरो फिल होगा, सेल नंबर 1 जीरो फिल होगा, सेल नंबर 3 जीरो फिल होगा, 5 और 6 फिल होगा। तो देखिए सेल नंबर 1 आपका कहां है, आई एम सॉरी, सेल नंबर 1 आपका कहां है, 1 है यहां पर, तो ये 1 फिल कर दीजिए। सेल नंबर 3 कहां है आपका, तो यहां पर सेल नंबर 3 है तो इसको 1 फिल करिए, और यहां पर सेल नंबर 5 है इसको यहां 1 फिल करिए, और सेल नंबर 6 यहां 1 फिल करिए, ठीक है। तो ये जो 1, 3, 5 और 6 दिया हुआ है इसको 1 से आपने फिल कर दिया। अब ध्यान क्या देना है कि जो रिमेनिंग सेल मेरा बचता है वो क्या हो जाता है, 0, 0, 0, ये रूल है। अगर कोई सेल में 1 फिल है तो बाकी रिमेनिंग सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 1 क्यों फिल किया, क्योंकि ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट टर्म जो है हमारा, जो डिकोडर होता है, ये सब लाइन वो हाई है, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन वी आर नॉट इंटरेस्टेड हेयर इन हाई इनपुट, वी आर इंटरेस्टेड हेयर इन लो इनपुट, क्योंकि आउटपुट आप क्या करें, मैक्स टर्म का 0 होना चाहिए। यानी जो रिमेनिंग सेल मेरा बचा हुआ जिसको 0 से मैंने फिल कर दिया है, हम उस 0 को कंसीडर करेंगे, ठीक ना। तो इस 0 को कंसीडर करने के लिए मैंने ग्रुपिंग किया, तो देखिए यहां ये इन दोनों का तो ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग में हमेशा मैक्स नंबर बनाते हैं 2, 4, 8, 16 का, है ना, 1, 2, 4, 8, 16, तो यहां 2 बन सकता है एडजेसेंट सेल से, तो बना दिया, और ये मिलके 2 एक ग्रुप बना दिया, इसका कोई एडजेसेंट कुछ है ही नहीं है, तो ये अकेला रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 3 ग्रुप बना, 1, 2 और ये 3। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो ध्यान दीजिए, ये अगर हमको मीन टर्म में रहता तो इसको कंप्लीमेंट कर देते हम लोग वेरिएबल को, 0, 0 है तो, लेकिन यहां मैक्स टर्म है इसलिए वी विल नॉट कंप्लीमेंट, ये 0, 0 को प्यार से लिख देंगे वाई प्लस जेड, इसीलिए यहां मैंने क्या लिख दिया, वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद ये पूरा 0, 0 एक ग्रुप कवर हो गया। अब रहा बात इसका और इसका, तो ये किस रो में आ रहा है, तो देखिए ये एक्स रो में आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 में कंप्लीमेंट नहीं करना है, इस केस में 1 को कंप्लीमेंट करना है, तो ये ऑलरेडी 0 है तो एक्स हम लिख दिए प्लस। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में देखिए सेकेंड 0 कॉमन है दोनों में, तो सेकेंड 0 ऑलरेडी 0 है तो नो प्रॉब्लम, सेकेंड 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड वेरिएबल को, सो एक्स प्लस जेड ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया फॉर दिस 0। अब ये बचा अकेला 0, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1x है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ उल्टा होगा, है ना, तो 1 को x को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक प्लस। अब यहाँ क्या है, वाई जेड 1, 1 दोनों है, तो वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को कि मैक्स टर्म से मीन टर्म में, मीन टर्म का उल्टा मैक्स टर्म में करना पड़ता है। मीन टर्म में हम लोग 0 वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैक्स टर्म में हम लोग 1 वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मीन टर्म में हम लोग इसको प्रोडक्ट के टर्म में दिखाते हैं, और इसमें मैक्स टर्म में इसको सम के टर्म में दिखाते हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, जहां जहां ये 1 है उसको 1 फिल कर दिया, और जो रिमेनिंग बचा वो 0 हो गया, और हम लोग इंटरेस्टेड मैक्स टर्म में क्या होगा, 0 के लिए होंगे, ठीक है। तो डिकोडर में मुझे लगा ये 2 तरह का वैरायटी का सवाल आता है, एक तो ये अभी मैंने बताया, और मैक्स टर्म वाला मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक इसमें दिया हुआ, या प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए उसको, है ना। तो इस तरह का भी एक सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, आ सकता है आप लोग के एग्जाम में, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो समझ में आ गई बात, आप कहिएगा मैम ये वाले लाइन पर कोई चर्चा ही नहीं कर रही है, तो देखिए जो सम टर्म होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट जो है, तो इसको कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कहां कहां है, देखिए फर्स्ट सेल, थर्ड सेल,
फिफ्थ सेल और सिक्स सेल, तो इसको लिखने का यह तरीका है। अब इसका रिवर्स में ये हो गया क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये जो जीरो जीरो है कहां कहां है, तो देखिए ये जीरो है, जीरो सेल, टू सेल, फोर्थ सेल और सेवेंथ सेल। तो ये आप समझने के लिए ये हमने लिख दिया है, आप चाहो तो नहीं भी लिखो, डायरेक्ट अगर आप बना सकते हो तो इसको बनाओ, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, एक्स प्लस जेड और फिर वाई प्लस जेड प्लस ये ऑप्शन ए आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सवाल। तो हमको लगता है डिकोडर का ये दोनों ही सवाल आपके मीन टर्म और मैक्स टर्म के लिए जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा वेरिएशन डिकोडर में नहीं आएगा। होप सो आपने एंजॉय किया है इस सवाल को। तो आपसे मेरा एक सवाल है फिर कि अगर आपको मैक्स टर्म में टू को रिप्रेजेंट करना हो यूजिंग मैक्स टर्म, तो आपको सबसे पहले टू का बुलियन वैल्यू बताना पड़ेगा और इस टू का मैक्स टर्म को हमको रिप्रेजेंट करके बताइए, कमेंट कीजिएगा। टू का पहले करस्पॉन्डिंग जो बाइंड्री वैल्यू है वो बताएंगे आप, और फिर इस टू को कैसे मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग थ्री वेरिएबल, ये आपको कमेंट करना है। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो को, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।